अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फुर्स। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान प्लेयरों के बारे में। यकीनन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अफगानिस्तान के टॉप बेहतरीन प्लेयर यानी अफगानिस्तान के टॉप 3 प्लेयर ICC रैंकिंग में कौन से पोजीशन पर आए हैं, यानी टॉप 10 में कौन से पोजीशन पर आए। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों अगर बात करें अफगान प्लेयर के बारे में, जिस तरह आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक बहुत अच्छी सीरीज खेली, उसमें अफगानिस्तान ने यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस पेश की और अफगानिस्तान के प्लेयरों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों राशिद खान, जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है, दो पहले भी नंबर 1 T20 बॉलर थे और दोस्तों अब बरकरार रहे, यानी उसके रेटिंग और भी ज्यादा हो गए, जो 757 रेटिंग के साथ राशिद खान नंबर 1 T20 बॉलर है दुनिया के। इसी तरह दोस्तों अगर अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान के बारे में बात करें तो दोस्तों मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ा जंप मारा है, जो 29 पोजीशन से आकर यकीनन 9 पोजीशन पर आए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है मुजीबुर रहमान को। यकीनन दोस्तों मुजीबुर रहमान इससे पहले ICC रैंकिंग में 29 पोजीशन पर थे, लेकिन दोस्तों अब मुजीबुर रहमान 9 पोजीशन पर आ गए, जो एक बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान टीम के लिए। और इस तरह दोस्तों अगर बात करें मोहम्मद नबी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद नबी एक बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज है और उसने आज साबित कर दिया, वो नंबर 3 पोजीशन पर आए हैं T20 रैंकिंग्स ऑलराउंडर में। यकीनन दोस्तों ये 3 अफगान खिलाड़ी हर बार अफगानिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस पेश करती है, यानी अफगानिस्तान के मैचेस में, नेशनल टीम में और इसी तरह और कई लीग्स में ये 3 प्लेयर हर बार अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हैं। दोस्तों अगर बात करें मुजीबुर रहमान, तो मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ा जंप मारा है, यानी उसने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर वो नंबर 9 पोजीशन पर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के बेहतरीन राउंडर बल्लेबाज इमाद वसीम जो 2 पोजीशन पर आए हैं, शादाब खान जो 3 पोजीशन पर आए हैं, इसी तरह आदिल रशीद 4 पोजीशन पर आए हैं, मिचेल सेंटर जो न्यूजीलैंड के बॉलर है 5 पोजीशन पर आए हैं, एडम जंपर 6 पोजीशन पर आए हैं, इसी तरह शाकिब उल हसन 8 पोजीशन पर आए हैं। यानी दोस्तों शाकिब उल हसन का एक पॉइंट माइनस हो चुका है। अगर आप भी इस बड़ी कामयाबी से बहुत खुश है तो इस प्लेयर के लिए जरूर कमेंट करें। खुदा हाफिज।